तुम तो बड़ी बेशर्म निकली, अभी तक जिंदा हो। मुझे मरा हुआ देखने की इतनी इच्छा थी तुम्हारी शीतल, तो बस एक बार कह देती, मैं हंसते हंसते अपनी जान दे देती। मैंने सच्चे दिल से तुम्हें दोस्त माना था शीतल। यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी की तुमने सुनी थी। तुम्हें मालूम होना चाहिए था कि दोस्ती हमेशा बराबर वालों के बीच होती है। एक मालिक और एक नौकर के बीच कभी दोस्ती नहीं होती। वैसे शीतल, दोस्ती तो अच्छाई और बुराई के बीच भी नहीं होती, लेकिन तुम क्या जानो दोस्ती क्या होती। तुमने तो ये भी नहीं जाना कि दोस्ती का जज्बा क्या होता है। जिंदगी की राह में खुदगर्जी की चालें चलते चलते तुमने तो सिर्फ दुश्मन ही दुश्मन अपनाए हैं, लेकिन अब उन दुश्मनों के नामों की लिस्ट में सबसे पहले और सबसे ऊपर मेरा नाम लिख देना शीतल सिंघानिया। ओ, तो तुम मुझे धमकी देने आई हो? हाँ, धमकी तो वो देते हैं जो कुछ कर नहीं सकते। तुम कर ही क्या सकती हो सुनीति? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शीतल सिंघानिया। पहले अपने आप को तो आबाद कर लो सुनीति वर्मा। तुम क्या समझती हो, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी जगह से हटाया है? दोबारा सोच कर देखो मैडम, मैंने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। यूपीसी से बेईमानी करने की वजह से तुम्हें डिसमिस कर दिया गया है। अब तुम लाख कोशिश करोगी ना तो भी तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, और कोई रिस्पेक्टेबल मैन ऐसी लड़की से शादी नहीं करेगा जो जेल की सलाखों के पीछे रहकर आई है। तुम मुझे क्या बर्बाद करोगे? बर्बाद तो मैंने तुम्हें किया है सुनीति। पता है, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर था, इसलिए तो तुम पर तरस खाकर मैंने तुम्हें वो शहर भेजा था। तुम्हारा यही जहर शीतल अब मेरी जिंदगी का मकसद बन गया है। मैं तो पूरी तरह टूट चुकी थी, नहीं जीना चाहती थी तुम्हारी इस झूठ और फरेब की दुनिया में, लेकिन अब मैं जीऊंगी सिर्फ इसीलिए ताकि एक दिन मैं तुम्हें खुद तुम्हारा यह भेजा हुआ जहर पिला सकूं। मैं तुम्हारा ऐसा हाल कर दूंगी शीतल कि तुम खुद अपने आप को मार डालना चाहोगी, और उस दिन मैं खुद तुम्हें ये जहर पिलाऊंगी। तब तक मैं इसे संभाल के रखूंगी। तुमने जो मेरा अपमान किया है शीतल, मैं उस अपमान का बदला लूंगी। जिस तरह तुमने मेरे घर वालों को रुलाया है, मैं उसी तरह तुम्हारे घर वालों को रुलाऊंगी। और जो जगह तुमने चालाकी से छीनी थी, मैं वो जगह ही रहने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं यूपीसी को मिटा दूंगी। सुना तुमने, मैं यूपीसी को मिटा दूंगी। यूं आंखों में आंसू लेकर तुम यूपीसी को मिटाने की बात कर रही हो? हाँ शीतल, यूं आंखों में आंसू लेकर ही मैं यूपीसी को मिटाने की बात कर रही हूं, क्योंकि इन्हीं आंसुओं से मैं यूपीसी को मिटा दूंगी। मेरी एक बात सुनती जाओ सुनीति, तुम शीतल सिंघानिया से दुश्मनी निभा नहीं पाओगी।
जब मैं शीतल सिंघानिया से झूठी दोस्ती निभा पाई तो दुश्मनी तो जरूर निभा पाऊं, क्योंकि ये दुश्मनी असली हो।